तो हेलो गाइस अभी बहुत कंफ्यूजन बना रहा है ना कि इलेक्शन के दिन हमको क्या करना है बुकिंग करना है इलेक्शन से पहले या तो इलेक्शन तक हमको होल्ड करके रखना है क्या स्ट्रैटेजी करें जिससे लॉस ना हो अगर मार्केट क्रैश भी करता है तो कैपिटल भी बच जाए ठीक है तो यही डिस्कस करने में आया हूँ आपके लिए मतलब मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा तो दोस्तों अभी देखो पिछले तीन दिन से तो एफ़ काफ़ी अपना माल बुक कर रही है तो मार्केट यहाँ पर देखो आज इसने थोड़ा इसका जो सपोर्ट था यहाँ पर जो सपोर्ट था ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रीच कर दिया ठीक है तो इसको थोड़ा नीचे आ गया अभी तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट सपोर्ट हम लोगों का लगभग यहाँ के आसपास बनेगा ठीक है और यहाँ पर एक देखो मार्केट आ, सपोर्ट ले कर लेके ऊपर भाग रही है तो ये भी एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेगा अभी भी इलेक्शन रिजल्ट्स आने में दो से कितना चार दिन पाँच दिन बचा है तो नेक्स्ट फोर फाइव डेज में भी क्या होता है वो भी बहुत क्रूशियल रहेगा अब दोस्तों इलेक्शन के दिन देखो यार मार्केट सेंटीमेंट पे वर्क नहीं करता लॉजिक पे वर्क करता है और ऑपरेटर भी बैठा है मार्केट न चलने के लिए ठीक है तो पहला एक केस हो सकता है कि अगर बीजेपी मेजोरिटी से आ गई ठीक है सीधा बताऊंगा मैं ना ही कांग्रेस का सपोर्टर हूँ ना ही बीजेपी का लेकिन बस मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ अगर बीजेपी मेजोरिटी से आ गई तो अच्छा खासा रैली उस दिन हमको दिख सकता है दूसरा केस बीजेपी आई लेकिन नो मेजोरिटी तो फिर मार्केट साइडवेज भी भाग सकता है और ऑपरेटर बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को ठीक है और यहाँ पर तीसरा केस हो सकता है कि अगर बीजेपी हार गई अगर बीजेपी हार गई तो फिर उस दिन मार्केट थोड़ा बहुत तो क्रैश करेगा क्योंकि पीएसयू का बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बीजेपी क्योंकि देखो सारा जो भी गवर्नमेंट कंपनीज़ वगैरह है अभी जो बीजेपी के टेनर पे जो बूम मिला है रेलवेज हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सबको बूम मिला है तो उसमें अच्छा खासा नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है और मार्केट हम लोगों को यहाँ से फिर नीचे जाते हुए दिख सकता है और मार्केट जब ऐसे सिचुएशन में नीचे जाता है तो तब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका काम नहीं करता ठीक है वो क्योंकि इमोशनल एक रहता है इमोशनल पैनिक तो सीधा क्रैश करेगा तो अब अपने को क्या है ना अपने को एज एन इन्वेस्टर मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एफ की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है हम लोग इक्विटी इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो इक्विटी इन्वेस्टर के हिसाब से क्या करना चाहिए लॉजिकली ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो मैंने कर रखा है ठीक है अब यहाँ पर देखो ये मेरा जो है जीरोदा का पोर्टफोलियो है अब इसमें क्या है ना इसमें आपको लगेगा कि इसने अभी देखो ये वैसे ये बीस दिन बाईस दिन अभी लगभग पच्चीस दिन भी नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखो टू लाख सिक्सटी थाउजेंड इन्वेस्टेड और टू लाख एटी टू थाउजेंड यानी कि फोर्टीन थाउजेंड का रिटर्न मेरे को लगभग बाईस डेज में मिला है ठीक है अब यहाँ पर देखो जो जो मैंने कंपनी चूज़ करे वैसे मैंने रिव्यू वीडियो डाल रखा है आप एक बार जाके चेक कर लेना आज मार्केट थोड़ा डाउन है लेकिन देखो यार पोर्टफोलियो रिकवर कर रहा है कल गया था और नीचे नाइनटीन के से नीचे आ गया था ट्वेल्व के तक फिर वहाँ से ऊपर गया ठीक है तो ये पूरा मतलब बैलेंस पोर्टफोलियो स्मॉल कैप भी है थोड़े रिस्की कंपनीज़ भी है और थोड़े अच्छी कंपनीज भी है जो कल को जाके अच्छा रिटर्न दे सकती है ठीक है अब यहाँ पर देखो यार दो अब सीन बनता है कि क्या करे इलेक्शन के दिन अगर देखो मार्केट ऊपर गई तो बहुत बढ़िया बात है मेरे को उस दिन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है मार्केट अगर ऊपर गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा मैं फिर प्रॉफिट बुक कर लूँगा अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लूँगा फिर उसके अगले दिन मैं एक पाँच साल का प्लान करके एक पोर्टफोलियो बना लूँगा पी स्टॉक्स बाकी जो जो क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा लेकिन इन द वर्स्ट के सीनारीओ अगर मेजोरिटी नहीं आई या तो गवर्नमेंट नहीं आई तो ये जो है प्रॉफिट आपका गायब होता हुआ दिखेगा मार्केट गिरेगा तो मैंने क्या कर रखा है ये जो मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है ये लगभग मेरा सिर्फ 50 परसेंट इन्वेस्टेड है मैंने अपना 100 परसेंट इन्वेस्ट नहीं कर रखा है यहाँ पर मैंने सिर्फ 50 परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है ठीक है क्योंकि देखो अगर मार्केट कल के दिन यहाँ से गिरता है मैं मुझे पता है कि मेरे स्टॉक्स में फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है दो तीन रिस्की है जैसे कि ये एवंमोर हो गया थोड़ा सा रिस्क है नया कंपनी तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा पोर्टफोलियो में सारे लार्ज कैप नहीं डाल सकते थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल बैलेंस्ड है तो मुझे क्या करना रहेगा ना अगर क्रैश मिलता है तो मुझे यहाँ पर क्रैश नहीं मिलेगा मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा डिस्काउंट क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है सेंटीमेंट की वजह से नीचे गिर रहा है तो कल को जाके वो ऊपर उठ ही जाएगा क्योंकि देखो इंसानों या मार्केट ऐसे ऐसे जाएगा लेकिन यहाँ से जाना तो ऊपर ही है ठीक है मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं फंड्स में ऐड करके बैठा हूँ देखो फ़ंड में यहाँ पर लगभग मैं वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ऐड कर रख करके रखाऊँ आज और फंड आने वाला है तो मैं लगभग इसको और हंड्रेड के यहाँ पर ऐड कर लूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा ना मेरे पास फिफ्टी परसेंट इन्वेस्टेड है अगर वो मेरे को प्रॉफिट बना के देता है तो वेल एंड गुड प्रॉफिट आराम से बुक करूँगा फिर मेरे पास जितना भी पैसा टोटल होगा उससे एक मस्त पोर्टफोलियो बनाऊँगा पाँच साल के लिए एटलीस्ट नेक्स्ट पाँच साल के लिए ठीक है लेकिन इन द वर्स्ट के सिनेरियो मुझे तो प्रिपेयर होना पड़ेगा ना क्योंकि देखो इक्विटी में एक चीज़ है कि अगर कैपिटल खत्म हो गया तो आप ख़त्म जब तक आपके पास कैपिटल है आप बने रह सकते हो मार्केट में है ना ये ही तो मेन रहता है जब तक आप मार्केट में हो तब तक आप बने रह सकते हो जब तक आपके पास कैपिटल है तो यही करना है आपको भी आपको 100 परसेंट इन्वेस्टेड नहीं रहना सारा घर बार बेच के पैसे लगा के मत देखना कि बीजेपी ही आएगा बोल के देखो भाई मार्केट सेंटीमेंट पे नहीं चलता और मार्केट इलेक्शन के दिन ही रिएक्ट करेगा ये गारंटी नहीं है इलेक्शन से पहले भी रिएक्ट कर सकता है इलेक्शन के बाद भी रिएक्ट कर सकता है एक दो दिन बाद अब सेम डे पर कैसे रिएक्ट करेगा ये कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि देखो हमसे भी बड़े बैठे हैं ऑपरेटर्स ठीक है तो वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे क्योंकि जिस दिशा में सब लोग सोच रहे हैं कि मार्केट जाता है जनरली उस दिशा में मार्केट नहीं जाता ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सिंपल से कुछ नहीं करना है अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड हो फंडामेंटली स्ट्रांग आप स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो तो फिफ्टी परसेंट अपना पैसा लगा के रखो कोई बात नहीं और एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट अपने हाथ में रखो ताकि कल को अगर खुदा ना खास्ता गिर जाए भगवान ना करे अगर गिर जाए तो आप एटलीस्ट अपना एवरेज आउट कर सको और ये मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ एक तो जो इक्विटी में है और दूसरा जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है ठीक है उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आप एक काम करो अभी भी टाइम है आज है आपका वेडनसडे ठीक है मंडे को आ रहा है रिजल्ट तो थर्सडे फ्राइडे दो दिन आपके पास है तो अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है कुछ कुछ स्टॉक्स में तो थोड़ा बहुत पैसे निकाल के अपने पास रख लो अगर फिफ्टी फिफ्टी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट सिक्सटी रख के फोर्टी अपने पास रख लो क्योंकि देखो यार प्रॉफिट हुआ तो हुआ लेकिन गैम्बल कर रहे हैं ना अगर हंड्रेड परसेंट कैपिटल लग गया मार्केट गिर गया तो फिर क्या करोगे फिर आपका तो नुकसान हो गया है ना तो एटलीस्ट थोड़ा कैश अपने पास रखो क्योंकि अगर अच्छा स्टॉक्स आपके पास है तो अगर मार्केट गिरता भी है तो वो आपके लिए क्रैश नहीं होगा वो आपके लिए होगा एक डिस्काउंट ठीक है तो ये आप फॉलो करो मैं खुद पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ फिफ्टी मेरा इन्वेस्टेड है और फिफ्टी मेरे पास ऑलरेडी सेफ़ है तो जैसे ही मार्केट अगर पॉजिटिव गया तो अच्छी बात है प्रॉफिट बुक कर लूँगा अगर मार्केट नेगेटिव गया तो मैं एवरेज आउट कर लूँगा और वो दो तीन दिन पंद्रह दिन में रिकवर कर जाएगा और मेरा फिर ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएगा ये रहेगा स्ट्रैटेजी ये सिर्फ इक्विटी वालों के लिए एफ वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि दोस्तों यार आ, उस दिन जो है ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं मार्केट ऊपर भी लेके जा सकते हैं नीचे भी लेके जा सकते हैं वो सेंटिमेंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा लेकिन ऑपरेटर ऑपरेटर है जैसे कि बजट वाले दिन भी आपने देखा होगा मार्केट कैसे साइडवेज रह गया था सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट फट के मतलब एकदम ऊपर चला जाएगा है ना तो यही बात है बाकी आप स्मार्ट हो मैं जानता हूँ आप अपना डिसीजन लो के ये जस्ट मेरा सजेशन था बाकी आप अपना स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो अगर आप अपना रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपना रिस्क ले सकते हो अगर आप रिस्क नहीं भी लेना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है मैंने बस अपना पर्सनल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया आशा करता तो आपको वीडियो पसंद आई होगी नए वीडियो में बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा